अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ नॉलेज आई एन क्यू। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए एक बहुत ही बुरी खबर है पेंशन के हवाले से। वो इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और उसको आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अब इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ आएँ वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। इस चैनल पर हमेशा की तरह जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड या पेंशन और सैलरी से रिलेटेड कोई भी अपडेट होती है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, जो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो वीडियोस की फॉर्म में जो है आपके साथ बर वक्त शेयर की जाती है। इसके अलावा अलाउंस से रिलेटेड भी अगर कोई खबर होती है तो वो भी वीडियोस की फॉर्म में जो है बर वक्त शेयर की जाती है। तो अब मैं मजीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता और आपको लेकर चलता हूँ कि खबर क्या है। अब पाकिस्तान के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए बहुत ही बुरी खबर थी। जी व्यूअर्स, सुनिए और देखिए ये खबर। हुकूमत की आईएमएफ की एक और शर्त पूरी करने की तैयारी। पेंशन का बोझ खत्म करने के लिए रजाकाराना पेंशन स्कीम तैयार। नए मुलाजमीन को हुकूमती पेंशन की बजाय रजाकाराना पेंशन स्कीम दी जाएगी। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे उमर हयात खान से। उमर हयात खान, बताइएगा इस हवाले से। सरकारी मुलाजमीन की जो पेंशन का बड़ा बोझ है उसको खत्म करने के लिए नई रजाकाराना पेंशन स्कीम जो है वो तैयार कर ली गई है और नई पेंशन स्कीम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तैयार की है और नए सरकारी मुलाजमीन को हुकूमती पेंशन के बजाय अब रजाकाराना पेंशन स्कीम दी जाएगी और वफाकी हुकूमत सरकारी मुलाजमीन की रजामंदी से इनको नई स्कीम में मुंतकिल कर सकती है। एससीसीपी ने सरकारी और निजी शोबे दोनों में नई स्कीम इतलाक करने की तजवीज दी है और निजी शोबा इस वक्त मुलाजमीन को प्रोविडेंट फंड या ग्रेजुएटी की सहूलत जो है वो फराहम कर रहा है और एससीसीपी की तजवीज है कि निजी शोबा मुलाजमीन को सिर्फ रजाकाराना पेंशन स्कीम दे और इस स्कीम के तहत मुलाजमीन की तब्दीली की मुलाजमत की तब्दीली की सूरत में भी मुलाजमीन की पेंशन सहूलत जो है वो जारी रहेगी और इस वक्त मुल्क में 43 पेंशन फंड जो है वो काम कर रहे हैं। उन फंड में 61 अरब रुपए की सरमायाकारी की जा चुकी है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सबसे पहले 2 साल कबल पेंशन फंड में सरमायाकारी की और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो मुलाजमीन है उनके 21 पेंशन फंड जो है वो काम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत भी मुलाजमीन के लिए रजाकाराना पेंशन स्कीम जो है वो शुरू करने वाली है। जी ठीक है उमर हयात खान, बहुत शुक्रिया आपका। अपडेट कर रहे हैं आपको, हुकूमत की आईएमएफ की एक और शर्त पूरी करने की तैयारी। पेंशन का बोझ खत्म करने के लिए रजाकाराना पेंशन स्कीम तैयार कर ली गई।